डी स्टूडेंट्स द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज हैजड एनालिसिस प्रशन एंड सेफ्टी मैनेजमेंट हैज़ड एनालिसिस ये इम्पोर्टेंट टर्म हैड कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर कोई काम प्लान्ड वे में नहीं होता तो वो हैज़ेड की डेफिनेशन में आता है अनालिस उसको छोटे छोटे इसमें डिवाइड करना फिर उन सबको वन बाई वन स्टडी करना अनालिस कहलाता हैज़ड अनालिस का ये मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई सिचुएशन पैदा हो जाए उसको टैकल कैसे करना है उसको प्रिवेंट कैसे करना है A hazard is a condition, आर combination of conditions, that if left uncorrected, may lead to an accident, illness or property damage. This is known as hazard. अब ये हैजड की सिचुएशन पैदा कैसे होती है मैनेज कैसे करना है प्रिवेंट कैसे करना है कंट्रोल कैसे करना है ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं अगर कोई हैज़र सिचुएशन पैदा हो जाए उसको डिसेंट वे में अनालज करें डिसेंट वे में analyze करने के बाद उसको कंट्रोल करें मैनेज करें लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जब हैजर्ड पैदा हो जाए तो फिर कंट्रोल करें और मैनेज करें इसका बेटर वे ये है कि ऑर्गेनाइजेशन का एन्वामेंट इस तरह का डिजाइन करें कि नेक्स्ट टाइम वो हैजर्ड पैदा ही ना हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ओवर व्यू हैजर्ड एनालिसिस प्रिलिमिनरी हैजर्ड एनालिसिस एंड डिटेल्ड हैजर्ड हैजर्ड एनालिसिस इफ इज़ कंडीशन कुड लीड्स टू एन इंजरी और इलनेस हैजर्ड एनालिसिस इज अ अस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग हैजर्ड एंड रिकमेंडिंग एक्शन ये की डेफिनेशन है डी स्टूडेंट इसकी ऑर्गेनाइजेशन में हैजर्ड्स का पैदा हो जाना मामूली बात है लेकिन उसकी वजह से जो प्रॉब्लम है या इफ़ेक्ट है जो रिज़ल्ट है जो आउटकम है वो लॉस कम से कम होना चाहिए ताकि वो लॉस बी बीअरेबल फार्म में बर्दाश्त भी कर सके ऐसा ना हो कि वो सिचुएशन बहुत ज़्यादा डिजास्टर पैदा कर दे जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन क्या डैमेज हो जाए इमेज लॉस हो जाए तो ये चीज़ें अनअवॉइडेबल हैं सवेरेटी ऑफ इंजरी एल्स हैजर्ड की वजह से अगर इंजरी है माइनर है तो एक्सेप्टेबल है अगर मेजर है तो एक्सेप्टेबल नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशन में हमें ये चीज़ जाननी चाहिए कि सोसाइटी ऑफ मैनुफैक्चरिंग इंजीनियर्स हैज़ दिस टू से अबाउट प्रिलिमिनरी हैजर्ड एनालिसिस कि वो क्या कहते हैं वो इंजीनियर बेसिकली अगर हम सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो इनका काम है डिजाइन कंस्ट्रक्ट मेंटेन इसी तरह हर बंदा अपने डोमेन का एक्सपर्ट होता है अगर ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपर्ट बंदे हाथ किए जाएं और वो काम को ठीक तरह करें तो कम के अंदर बहुत कम चांसेस है कि इस किस्म के हैजट दोबारा पैदा हो हैजर्ड एनालिसिस अब हैजर्ड एनालिसिस कहते हैं वो जो कि इब्तदा में हुआ है स्टार्ट में है उसको कैसे टैकल करना है मैनेज करना है अब इज कंडक्टेड टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल हैजर्ड्स एंड प्रायोरिटाइज देम अकॉर्डिंग टू द ऑफ एन एक्सीडेंट और इंजरी किसी एक्सीडेंट या इंजर होने के चांसेस कितने ज़्यादा हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो चांसेस को मिनिमाइज किया जाता है कि ताकि वो दोबारा या इस किस्म की एक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन में पैदा ना हो अ यूजफुल अटिंग इज टू रेट ऑफ प्रोबेबल लेवल ऑफ इंजरीज दैट कुड अकर कैटोस्ट्रॉफिक क्रिटिकल मार्जिनल एंड म्यूजेंस देन विद ईच आइटम इंडिकेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस इसका ये मतलब है कि कितने चांसेस हैं कि कोई एक्टिविटी अकर हो सकती है मसलन अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोल का काम कर रही है तो वहाँ पे फायद के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पे आपको वो तमाम प्रिकॉशनरी मयरमेंट लेने पड़ेंगे कि जिनकी वजह से फायर वहाँ पे पैदा ना हो इसको डियर स्टूडेंट्स हम कहते हैं प्रोबेबली ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट प्रिलिमिनरी फर्दर डिटेल में ये कहा जाता है इब्तदाई रिव्यू अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में लेना चाहते हैं तो उसके लिए एक एक्सपीरियंस बंदा जो उस फील्ड का एक्सपर्ट है उससे राय लेना बहुत इंपॉर्टेंट है वो शख्स जिसने उस किस्म के वर्किंग एनवायरनमेंट में काम ही नहीं किया हुआ उसकी ओपिनियन को वेटेज ना दें वेटेज उसको दें जो जेनविन एनवायरनमेंट को जानता है उसके मुतल उसकी क्वालिफिकेशन है उसके मतलब उसका एक्सपीरियंस है फिर उसकी ओपिनियन को वेटेज दें और ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन उसके मुताबिक डिवेल्प करें दिस इज़ द डाइग्राम पर्टिकुलर ये जो आपके सामने सर्वे फॉर्म रखा गया है इसमें तमाम चीज़ें बयान की गई हैं नंबर ऑफ एम्प्लाइज जॉब टाइटल एक्सपोजर फॉर्म टाइप ऑफ हैजर्ड्स किस किस्म की हैजर्ड्स है रूट ऑफ एंट्री कंट्रोल मैथड्स अगर इस फॉर्म के मुताबिक आप लोग तमाम डेटा बना लें और इसके मुताबिक इन चीज़ों को मैनेज कर लें बिलीव मी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी किस्म की भी हैजर्ड डप नहीं होगी कास्ट बेनिफिट फैक्टर इन हैजर्ड एनालिसिस कास्ट बेनिफिट व्हाट वी आर पेइंग एंड बेनिफिट व्हाट वी आर गेटिंग इसका एनालिसिस ऐसा तो नहीं है कि आर्गेनाइजेशन बहुत पे कर रही है और बेनिफिट कम है या ऐसा तो नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन कम पे कर रही है और बेनिफिट ज़्यादा है ऐसा तो नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन की कास्ट जितनी ज़्यादा इंकट हो रही है उसके मुताबिक रिजल्ट नहीं है इन सब चीज़ों को डी स्टूडेंट्स हम कहते हैं कास्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस एक बात याद रखिएगा आर्गेनाइजेशन जब अपने ऑब्जेक्टिवस को देखती है तो फिर कास्ट बेनिफिट को नहीं देखा जाता आर्गेनाइजेशन के अगर ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहे हैं कास्ट सम ज़्यादा भी पे करनी पड़ेगी लेकिन लॉन्ग टर्म बेसिस पे वो कास्ट आपको बहुत कम लगेगी उसकी रीज़न ये है कि फिक्स कास्ट विल रिमेन फिक्स ऑल द टाइम वेरिएबल कास्ट विल चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम फिक्स कास्ट तो पहले से फिक्स है मसलन प्लांट की मशीनरी की रेंट की बिल्डिंग की एसेट की लेकिन जो वेरिएबल कास्ट है जो आप मटीरियल ले रहे हैं जो आप लोग मटीरियल के अलावा अदर लुब्रिकेंट ऑयल या इस तरह की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो विद द ऑफ टाइम इंक्रीज होंगी लेकिन पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर जब ये कास्ट आउटपुट पे डिवाइड करेंगे तो ये बहुत मिनिमाइज हो जाएगी इसको हम कहते हैं कास्ट बेनिफिट एनालिसिस फॉर द सी एन सी मशीन सेंटर कंप्यूटराइज मशीनें जो होती हैं कंप्यूटर की मदद से जिनमें आप लोग अपना प्लान सॉफ्टवेयर देते हैं उनको सी एन सी मशीन कहते हैं आफ्टर एग्जामिनिंग द मैट्रिक्स द सोलूशन दैट मेक्स द मोस्ट सेंस फ्राम द प्रोस्पेक्टिव ऑफ बोथ कॉस्ट एंड इम्पैक्ट ऑन दैजर इज एक्सप्लेनिंग ग्लास डोर इन सब का ये स्टूडेंट्स मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन में कास्ट बेनिफिट एनालिसिस बिल्कुल करना चाहिए किया जाता है और इसकी मदद से बहुत से डिसीजन लिए जाते हैं लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ अगर मैनेजमेंट अफेक्टिव हो अगर मैनेजमेंट प्रॉपर वे में काम कर रही हो मैनेजमेंट अपने तमाम प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग लीडिंग कंट्रोलिंग के जो टूल हैं उनको अप्लाई कर रही हो तो ऑर्गेनाइजेशन में किसी किस्म की प्रॉब्लम पैदा ही नहीं होती कास्ट बेनिफिट एनालिसिस मैट्रिक्स की ये डिटेल है एस्टिमेटेड कास्ट स्प्रेइंग लुब्रिकेंट मेटल चिप जैम स्टॉक डी स्टूडेंट्स ये अभी जो मैंने आपको बताया टीच किया जो उसका पिक्टोरियल इफेक्ट है इसकी मदद से हम लोग ये सारी चीज़ें डेवलप करते हैं